एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं गुरुदेव जी डी वशिष्ठ, एस्ट्रो साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहना दाता, सदा सुखी। जी हाँ, पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या खास उपाय करने हैं जो आपको सुख समृद्धि सेहत अपार धन दिलाएगा, ये सभी जानेंगे हम गुरुदेव से। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या खास आज आपको करना चाहिए ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के दिव्य मुहूर्त की जो आपके दिन को शुभ बनाएगा। तो गुरुदेव बताइए कि आज महाशिवरात्रि का विशेष मौका है, हमारे दर्शकों को किस विशेष मुहूर्त में आज भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए? भोलेनाथ जटाधारी, और कुदरती इस बार जो मुहूर्त भी शिवरात्रि का निकल के आया है वो आज शाम को 7:15 बजे के बाद में, लगभग 9:30 बजे के बीच में जो पहला मुहूर्त निकलता है, ये सबसे उत्तम मुहूर्त है भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए, संगे उनके अभिषेक करने के लिए, किसी भी तरह के उनके पाठ या मंत्र उच्चारण के लिए यहाँ से शुरू हुआ है। और वरना ये पूरी रात्रि ही भोलेनाथ के नाम है जी। और इस पूरी रात्रि के अंदर जो भोलेनाथ स्वयं अपने आप में सब मुहूर्तों के पार हैं, तो इनका नाम लेने के लिए या इनकी पूजा अर्चना करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होते, क्योंकि इनका नाम भी भोलेनाथ है। बिल्कुल ठीक है। और ये तो स्वयं कहते हैं कि मुझे जिस वक्त जो अर्पण करोगे मुझे वही कबूल है, ये भोलेनाथ बोलते हैं। जी जी। तो ऐसी अवस्था के अंदर चलिए दुनियादारी को मानते हुए, पंचांग को मानते हुए, हम 7:15 बजे शाम को पूजा शुरू करते हैं और उसके बाद पूरी रात है हमारे पास, जब मर्जी इनकी अर्चना पूजा अभिषेक जब मर्जी हम कर सकते हैं। मेरा ख्याल इससे दुनियादारी भी रह जाएगी और भोलेनाथ तो खैर है ही अपरंपार लीला वाले, तो उनका तो पूजन जिस वक्त करें उनको तभी कबूल हो जाएगा। गुरुदेव, हर बार महाशिवरात्रि का जब विशेष मौका आता है तो कहते हैं कि एक विशेष योग भी बनता है, तो इस बार महाशिवरात्रि में क्या विशेष योग बन रहा है, इस बार की महाशिवरात्रि का क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में अगर दर्शकों को कुछ बता पाए आप? इस बार जो महाशिवरात्रि के ऊपर योग संयोग बना, कहते हैं 30 साल बाद ऐसा हुआ है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो शनिवार है और शनिवार के दिन ये खास तौर पे रुद्रों के लिए बहुत खास होता है। शनि देव ज्ञान के प्रतीक है और जितनी भी इंजीनियरिंग है, जितनी भी तरह की साइंस है, जितनी भी तरह का ज्ञान है जो कि बोल करके या कर्म करके सिद्ध किया जाता है, बेटा वो शनि देव की ही देन होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर शनिवार के दिन ये वाला योग आपको बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी है, और ख़ास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो इंजीनियर है, जो वास्तुशास्त्री हैं, इन सब के लिए ये आज भोलेनाथ से मांगना और इस ज्ञान को मांगना, इस कर्म को मांगना, उसके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है आज का। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को। अब जरा राशियों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हर किसी की उत्सुकता होती है कि हमारी ये राशि है तो हमें महाशिवरात्रि के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमारे लिए इस बार की शिवरात्रि कैसे रहेगी। तो गुरुदेव, मैं चाहूंगी कि शुरुआत से शुरू करते हैं, मेष और वृषभ राशि वालों के लिए इस बार महाशिवरात्रि कैसी रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? बेटा कैसी रहेगी, आज के दिन तो हम परम पिता परमात्मा श्री भोलेनाथ की शरण में हैं, तो आज उन पे छोड़ते हैं कि कैसी रहेगी, ठीक है ना। तो लेकिन करना क्या चाहिए इस शिवरात्रि के ऊपर, वो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। फल देने वाले वो है और कर्म करने वाले आप। तो ऐसी अवस्था के अंदर मेष राशि वालों को आज के दिन यानी अपनी राशि से संबंधित शहद का अर्पण ज़रूर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेष राशि वाले अगर शहद का भोग चढ़ाते हैं या जब उसका आप अभिषेक करें भोलेनाथ जी का, उसमें शहद की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। ऐसे ही वृषभ राशि वालों को हमेशा सफ़ेद रंग के फूल उनके अभिषेक में ज़रूर दर ज़रूर होने चाहिए, और सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने से इनको अपने परिवार का सुख, अपने कुनबे का सुख, अपने ससुराल के सुखों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी महसूस होगी।
जी हाँ। अब आगे बढ़ते दो और राशियों की बात करेंगे, मिथुन और कर्क राशि। मिथुन और कर्क राशि को क्या उपाय करने चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, कैसे विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? मिथुन राशि वालों को अगर भाई बहनों के सुखों में किसी तरह की दिक्कत है या पराक्रम में दिक्कत है या आलसपन ज़्यादा है, उनको आज के दिन गेंदे के फूलों का खास तौर पे अभिषेक भोलेनाथ को करना चाहिए, और जिसके अंदर वो जल तो अर्पण करेंगे ही, साथ ही कम से कम 108 फूल लेकर के एक एक करके भोलेनाथ को अर्पण करते हुए अगर इसका अभिषेक करते हैं तो उनके छोटे भाई बहन की तरफ से, उनके पराक्रम की तरफ से, इस तरफ से बहुत अच्छे सुकून मिलेंगे। और कर्क राशि वालों को आज के दिन पंचामृत तैयार करके, पंचामृत हर पंडित जी जानते हैं, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो तैयार करके अगर उसका अभिषेक करते हैं तो इन लोगों को खास तौर पे अगर इनकी माँ को कोई तकलीफ है, मनोवस्था अपने काबू में नहीं है, जल्दबाजी है, गुस्सा है, उन सब पे काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके साथ ही अगर जो लोग अपनी प्रॉपर्टी इन दिनों में बनाना चाहते हो उनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से गुरुदेव मिल रही है हमारे सभी दर्शकों को। महाशिवरात्रि तो खुद में ही बहुत ही पवित्र और पावन दिन है, लेकिन अपने पूरे दिन को इस विशेष दिन के समय अगर अच्छा बनाना हो तो क्या ऐसा कोई लकी मंत्र भी है जो भगवान शिव को, भोलेनाथ को प्रसन्न करे, कोई मंत्र का जाप भी करना चाहिए? ये जो भोलेनाथ के मंत्र है ये राशियों से पार है, क्योंकि ये अपने आप में सर्वसिद्ध और हर तरह से बड़े मंत्र हैं, और इनके लिए जो हम दुनियादारी वालों को जो परमात्मा ने अर्पित किया मंत्र, वो पंचाक्षर मंत्र यानी कि नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप बहुत ही खास प्रकार से, बहुत ही अच्छे दिल से और बहुत लंबी कोई साधना करना चाहते हैं, जैसे आप मान लो चाहते हैं कि नहीं, भोलेनाथ को आज मैं प्रसन्न करके ही उठूँगा और परमात्मा को मेरा रुद्र सुनना चाहिए और उनको मेरे पे कृपा बरसानी ही चाहिए, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप एक मंत्र ले सकते हैं, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। इसके बोलते हुए आप परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करें। अपनी अपनी राशि के अनुसार जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अर्पण करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा, भोलेनाथ जरूर आपकी झोली भरेंगे और आपको सुखों से मालामाल करेंगे। बहुत सरल मंत्र आपने बताया, इसका तो मंत्रों जाप किया ही जा सकता है, हमारे सभी दर्शकों के लिए आसान रहेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो साइंस के जरिए आप सबको बहुत ही विशेष जानकारी गुरुदेव के माध्यम से मिल रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेकेंड सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। गुरुदेव, ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को यानी कि महाशिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, भगवान शिव सबसे पहले दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उससे पहले की अगर बात करें तो वो निराकार ब्रह्म थे। वहीं महाशिवरात्रि के इस दिन का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल पा रहा है, ऐसे में आज महाशिवरात्रि के विशेष मौके पर उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए? ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो सारे भेदभाव और हर तरह की मानसिक जितनी भी तृष्णाएं होती हैं उनको छोड़ के सिंपल जुड़ जाने से ही सृष्टि का निर्माण संभव हो पाया। और इसके अंदर सच बात यह है कि भोलेनाथ यानी कि पूरी सृष्टि, ठीक है, इसका मिलन जब धरती पे पैदा होने वाली शक्ति यानी कि माँ पार्वती, इसके साथ जब मिलन हुआ तो उसके बाद सृष्टि का उत्पन्न शुरू हुआ। तो हम गृहस्थियों को भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, अगर शादीशुदा जिंदगी के अंदर कोई दिक्कत है तो हमें सबसे पहले मियाँ बीवी बन जाना चाहिए, पति पत्नी बन जाना चाहिए, और बीच की बातों को निकाल के अलग फेंक देना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की बातें जब मियाँ बीवी के रिश्ते के बीच में आती है तो मियाँ बीवी में तकरार और उसके बाद टकराव, और टकराव के बाद में गृहस्थी के खराब होने के हालात बनते हैं। तो सबसे पहले जैसे भोलेनाथ और माँ पार्वती जुड़े, इसी प्रकार से आपको जुड़ना चाहिए एक दूसरे के लिए। उसके बाद दुनियादारी में बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, ये सारे आते हैं, और इनकी भी टेंशन जो है इकट्ठे रूप में ही संभालना और एक दूसरे को समर्पित होना और एक दूसरे का साथ देना, ये करना बहुत ज़रूरी है। यही तो हमें भोलेनाथ सिखाते हैं, इधर ये हो गया। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है और इन दिनों के अंदर यानी कि आज के दिन आप भोलेनाथ से, माँ पार्वती से वरदान पाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम क्या है, शादी के अंदर मिठाई
मिठाई वो भी ज़्यादा अच्छे रस वाली और वो भी ऊपर से पीली जो भोलेनाथ को पसंद है, तो लड्डुओं का भोग या पतीसे का भोग अगर आप मंदिर में चढ़ा करके बांटते और ख़ास तौर पे नए ब्याहे हुए जोड़ों को उसका प्रसाद स्वरूप अर्पण करते हैं और कोई एक जोड़ा अगर आपको खुशी से कुछ भी जो मंगल चिन्ह है जैसे लाल कपड़ा, एक सुहागन की चूड़ी, अगर वो आपको भेंट करता है या अगर और कुछ नहीं तो किसी नए जोड़े से इस वक्त आशीर्वाद स्वरूप आप उनको भोलेनाथ और पार्वती माने और उनसे सिर्फ दो चार छुआरे ही ले लीजिए और वो लेकर के आप स्वयं भोलेनाथ का नाम लेकर के उसको प्रयोग करना शुरू करें। देखिए भोलेनाथ शीघ्र अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये सबसे बेहतर उपाय बताया है गुरुदेव आपने कि कई लोग इस वजह से परेशान भी हैं, घर गृहस्थी में सब ठीक रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ये गुरुदेव ने आपको बताया है। गुरुदेव कहते हैं भगवान शिव के बारे में कि शिव तो भोलेनाथ हैं, उनको कुछ भी चढ़ा दो, सिर्फ जल अर्पित कर दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसका फल आपको दे देते हैं, मनचाहा फल भी मिल जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कोई लकी उपाय, उन्हें क्या करना चाहिए? भोलेनाथ वो इनके लिए तो कथा भी प्रचलित है कि एक चोर भाग के जाके शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ गया था और वो पूरी रात वहाँ बैठा हुआ, सैनिक उसे ढूंढ रहे थे, वो तोड़ तोड़ के पत्ते नीचे फेंक रहा था। तो भोलेनाथ ने कहा कि तेरे से बड़ा भक्त कौन जिसने मुझे पूरी रात पूजा मांग क्या मांगता है। तो ये सत्य बात है बेटा, भोलेनाथ को आज के दिन सही मायने में तो आपकी श्रद्धा चाहिए और एक सिंपल स्वच्छ मन चाहिए आपका जो उनमें लीन हो सके। लेकिन आज के दिन मैं आपको एक भोलेनाथ का वो मंत्र देने जा रहा हूँ जो स्वयं भोलेनाथ ही है। और वो क्या है वो मंत्र, कोई बोलने वाला नहीं है, वो मंत्र क्या है, अगर आप भोलेनाथ की तरह अपने मन को बिल्कुल पवित्र करते हुए और बिना किसी के लिए भी छल कपट सोचे हुए अगर आप उससे कोई बात करते हैं अपने बिजनेस की, तो आप देखिए आपके अंदर से उत्पन्न होने वाली भोलेनाथ की वो एनर्जी आपके काम को सफल करेगी। और अगर इसी प्रकार से घर के कलेश सुलझाने के लिए आप अपने भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ या जिनके साथ में भी आपके क्लेश है या प्रॉपर्टी के क्लेश है, आप जाकर के उनके पास बैठिए और इस मंशा के साथ अगर आप बैठिए भोलेनाथ का नाम लेकर के कि मैंने विवाद को सुलझाना है, जो मेरा है वो मेरे को मिल जाए, जो उसका है मैं दे के आऊँगा, और भोलेनाथ का नाम अपने मन के अंदर अंदर ही अंदर चलाते रहना जी। और या नमः शिवाय का जाप करते रहना। आप देखिए अगर उसका स्मरण आप अपने मन में 1% भी नहीं भूलते और बात करते हुए और हर वक्त वो चलता रहता है तो आपकी वाक सिद्धि आपका साथ देगी, समस्याएं को सो दूर जाएंगी और आप खुशहाली से भोलेनाथ के मंदिर में माथा टेक के खुशियां लेकर के अपने घर आए जी। यानी कि साफ दिल से किया हुआ कोई भी कार्य सफल होता है क्योंकि साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। गुरुदेव सिंह और कन्या राशि के बारे में भी बात करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन इन दोनों राशियों वालों को कैसे मिले माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद। भोलेनाथ को जहाँ धतूरा भांग भी पसंद है वहाँ भोलेनाथ मीठा भी बहुत खाते हैं, तो इसीलिए पंचामृत बना के उनको ये अर्पित भी किया जाता है। तो इसीलिए जो सिंह राशि वाले हैं अगर वो चाहते हैं कि किसी प्रकार की भी सरकारी बाधा या पारिवारिक क्लेश जो पिता की तरफ से होता है या अपने खून वालों की तरफ से जो तकलीफें होती हैं उन लोगों को खास तौर पर गुड़ शक्कर ये भोलेनाथ को अर्पित करते हुए आज अभिषेक करना चाहिए तो उनकी ये समस्याएं खत्म होगी और सरकारी कामों के अंदर जो बाधाएं या सरकारी नौकरों में जो तकलीफें हैं वो खास तौर पे ठीक होंगी। ठीक है, और जो कन्या राशि के लिए आपने कहा बेटा, कन्या राशि वाले ये अगर बिजनेस के अंदर है, इनको नसों से संबंधित दिक्कत है, दांतों से संबंधित दिक्कत है, पेट की आंतों से संबंधित अगर इनको दिक्कत है तो ये अगर बेलपत्र इनका अभिषेक और साथ में धतूरा ये लेकर के अगर ये अभिषेक करते हैं तो इन लोगों को उस चीज़ में बहुत राहत मिलेगी कन्या राशि जी। तो इन दो राशियों वालों ने जान लिया होगा कि महाशिवरात्रि के दिन कैसे आप शंकर पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जरा तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बात कर लेते हैं, इन दो राशियों को आज के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। तुला राशि वालों को ये जीवन साथी
और डेली इनकम, इससे संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो या मियां बीबी वाला सुख भोगने में अगर किसी भी प्रकार की अगर इनको दिक्कत हो, तो ऐसे में चमेली का तेल और सफ़ेद चंदन, इसका अभिषेक किसी भी प्रकार से आप अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, माँ पार्वती को अर्पित करते हैं, तो तुला राशि वालों को इनसे बहुत बड़ी लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर अगर वो आके का पेड़ होता है समझेंगे, और आके के फूल लेकर के अगर वो अर्पण करते हैं, तो ऐसी अवस्था में बीमारियां तो दूर जाती ही हैं, अचानक धन लाभ के योग बहुत अच्छे बनते हैं, और जिनके साथ भी आसपास के माहौल के अंदर कोई जेलस वाला माहौल है वो कटता है, और आदमी डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ के ज़िंदगी के अंदर बहुत तरक्की करता है। जो वृश्चिक राशि की कमियां उनको ये सुधार के खास बनाता है, जो कि आके के फूल जब भोलेनाथ पे अर्पित किए जाते हैं। तो देखिए गुरुदेव, आपको वर्तमान जो आपकी समस्याएं हैं उससे कैसे आप निजात पाएं और भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, ये भी आपको बता रहे बेहद ही सरल उपायों के माध्यम से। अब गुरुदेव अपने तीसरे सेगमेंट का हम रुख करते हैं और उस ओर भी कुछ और ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार आ रहे हैं। मसलन आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव आज क्या किसी खास विधि के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो? बेटा भोलेनाथ तो स्वयं ही कहते हैं कि मुझे जो दोगे वही मंजूर है, और जो चढ़ाओगे वो तुम्हारी श्रद्धा है, मुझसे क्या लेना है मुझसे मांग लेना जी। तो भोलेनाथ का तो सिंपल सा यही जीवन है, और वो इसी तरह से अपने भक्तों को करते हैं। जैसे आपने भस्मासुर वाली कहानी सुनी होगी कि अगर राक्षस भी पूजे और वो प्रसन्न हो जाए, और सिंपल पूजने पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो भस्मासुर को वरदान दे देते हैं, बाद में वो भस्मासुर बेशक भोलेनाथ के पीछे भागता है जी। लेकिन यहाँ पर तुम देखो कि काम कौन आए, श्री नारायण जी, ठीक है। और आप सबको एक बार बता दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग नहीं हैं, ठीक है। और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते वक्त में अगर आप श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन, श्री ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करने के लिए उनके लिए कुछ मीठा कुछ फल ये आप अर्पण करते हैं, तो ऐसे में भोलेनाथ अपनी पूजा को संपूर्ण मानते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी एक देव की पूजा हो, चाहे ब्रह्मा की, चाहे विष्णु की, चाहे महेश की, चाहे तीनों में से किसी की पूजा हो, अगर हम तीनों देवताओं को याद रख करके उनके पूजा अर्चन के लिए कुछ भी थोड़ा सा अगर करते हैं, तो ये तीनों प्रसन्न होकर के एक इंसान को संपूर्ण करते हैं। तो इसीलिए आज की डेट में अगर कुछ आप खास करना चाहते हैं भोलेनाथ की पूजा में, तो भोलेनाथ के अभिषेक के बाद में आप लक्ष्मी नारायण जी को प्रसाद अर्पण करें, श्री ब्रह्मा जी का नाम लेकर के उनके नाम की एक जोत जला दें, क्योंकि हर जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं मिलती, ठीक है, तो वो करें और देखिए। और उसके बदले में आप पीपल को भी कुछ ना कुछ अर्पण कर सकते हैं, जो ब्रह्मा जी का साक्षात स्वरूप है, तो ये आप करके देखिए। इन तीनों की सम्मिलित पूजा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। तो देखिए शायद ही आपको ऐसी जानकारी कहीं और मिलेगी कि महाशिवरात्रि है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भोले शंकर को प्रसन्न करना है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर तीनों के साथ में आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। गुरुदेव जरा आगे बढ़ते हैं, और घर में कई तरह की समस्याएं हर किसी के होती हैं, और पूजा एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग भगवान से अपील करते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि का वास हो। तो क्या घर में शांति रहने के लिए और सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए कोई वास्तु उपाय भी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे जो उन्हें करना चाहिए अपने घरों में? बड़ा वास्तु तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूं कि भोलेनाथ की अगर कृपा पानी है, भोलेनाथ का जन्म कुंडली के अंदर जो स्थान है वो जन्म कुंडली का दूसरा घर है, वहाँ वृषभ राशि आती है, और लाल किताब खास तौर पे बताती है कि बैल पे बैठे हुए श्री भोलेनाथ, ये वृषभ राशि का स्वरूप लाल किताब के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वो गुरु भी है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कोने के अंदर अगर आपका कोई कबाड़ पड़ा है, जूते चप्पल रखने की जगह बनी हुई है, टॉयलेट या वॉशरूम बना हुआ है, या ऐसी कोई अलमारी रखी हुई है जिसके अंदर टूली कबाड़ टाइप आपने कुछ भी रखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा आप पर नहीं रहेगी। उल्टा ये होगा कि आपको ये घर छोड़ के, हो सकता है शहर छोड़ के दूसरी जगह जाके बसना पड़े, और आपके घर पर बीमारियाँ होंगी और उनके साथ में कलेश होंगे, जिसका भला करेंगे वो आपको एवज में वैसा नहीं लौटा। इसी को बोलते हैं कि भोलेनाथ की कृपा ना होना।
और इसका कारण यही है कि अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर अगर ये गंदगी वाली चीज़ें होंगी तो भोलेनाथ आपसे रुष्ट होंगे। तो आपको वास्तु के तौर पे ये करना चाहिए कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट से चाहे टॉयलेट बाथरूम हो, चाहे कोई कबाड़ हो, चाहे कोई और जूते चप्पल रखने की जगह हो या कोई और ख़राब चीज़ें हों, कई बार वो पोछे वगैरह ही रख देते हैं या वॉशिंग मशीन वगैरह होती, बेटा आप एक बार हटा के देखिए और मेरे कहने पे ये हटा के देखिए, आपको लगेगा कि साक्षात शिव और पार्वती आपके घर पे समृद्धि का आशीर्वाद देने आए हैं और आपके घर में खुशियां भरने आए हैं। एक बार ये खुशियों को भरने के लिए थोड़ा सा ये प्रयास करके देखिए, भोलेनाथ आप पे बहुत कृपा करेंगे। तो गुरुदेव का ये उपाय अगर आप लोग चाहें तो अपने घरों में ज़रूर कर सकते हैं और जैसा उन्होंने बताया कि इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। अब जरा आगे बढ़ते फोर्थ सेगमेंट का रुख करते हैं जिसमें धनु और मकर राशि वालों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कैसे वो पूजा अर्चना करें कि भगवान शिव को वो प्रसन्न कर सके। धनु राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है कि अगर वो पीला चंदन, हल्दी संगे या सूरजमुखी के फूल संगे, इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर के अगर वो भोलेनाथ को अर्पण करके पूजा पाठ करते हैं तो ये तो स्वयं भोलेनाथ की ही एक तरह की राशि है, तो भोलेनाथ इसी से बहुत प्रसन्न होकर के आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। ख़ास तौर पे आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से मिलने वाला जो कुछ भी है उस क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे जिनके अंदर लक की ज़रूरत होती है जैसे टेंडर पाना ठीक है, या कंपटीशन जीतना, या किसी भी तरह से अचानक लॉटरी निकलना, तो ऐसी अवस्थाओं के अंदर धनु राशि वालों को अगर इनमें कोई चाहत रखते हैं तो ये सफ़ेद पीले रंग के फूल और इनसे अगर उनका अभिषेक किया जाए तो उत्तम होगा। और मकर राशि वाले खास तौर पे आज के दिन किसी तरह के सरसों के फूल मिल जाएं जो कि आजकल बिल्कुल मिलते हैं, सरसों के फूल लेकर ले सकते हैं, उसके साथ में आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अगर इसका भी दिया जला करके आप तब भोलेनाथ के सरसों के फूलों के साथ अभिषेक करते हैं तो आपके कर्म बहुत ही उत्तम रहेंगे, परिवार के साथ सानिध्य बहुत बढ़िया रहेगा, उसके साथ में अपनों के अंदर जो छुटमुट मन का बैर या मन भाव या भेद हो जाता है इन सबको मिटाने में आज के दिन आपको बहुत ही मतलब कि एक अच्छा प्रयास माना जाएगा। और इस प्रयास से भोलेनाथ की कृपा से आप इतने फ्री माइंड होकर के अपने कार्यों को अंजाम देंगे कि आपके कार्यों की सराहना होगी। तो इसीलिए सरसों के फूल और इसके साथ में सरसों के तेल का दीपक ये जलाते हुए भोलेनाथ का अभिषेक करें। बहुत सुंदर। और अब आखिर की दो राशियां बच गई हैं, कुंभ और मीन राशि। कुंभ और मीन राशि वालों को आज कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए? कुंभ राशि वालों को खास तौर पे भर भर के परमात्मा के लिए फूल खरीदने चाहिए और उसके अंदर खास तौर पे आपको एक आध रंग नहीं, दो तीन चार रंग के, पांच रंग के अलग अलग तरह के फूल इकट्ठे कर लीजिए और वो फूल इकट्ठे करके वो भर भर के भोलेनाथ पे चढ़ाते हुए उनका अभिषेक करके देखिए। वाकई में कुंभ राशि वालों को चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कर्म का कष्ट हो, लाभ का कष्ट हो, या जीवन साथी के सुखों से संबंधित कोई दिक्कत हो, या बच्चों की तरफ से कोई होने वाले दुख हो, बेटा इन सब के लिए कुंभ राशि वालों के लिए तो इस तरह से अभिषेक करना अमृतमय होता है, करके देखिए बहुत लाभ मिलेगा। और मीन राशि वालों को सबसे उत्तम है कि फूल तो अर्पण करने ही करने हैं लेकिन माँ पार्वती को और भोलेनाथ को सजाने के लिए अगर हो सके बेशक मल्टीपल कलर्स की कोई ड्रेसिंग बना सके अपने आप, जो साथ में आप गोटा किनारी लगा दें और उसके अंदर मल्टीपल कलर लगा करके अगर आप उनको सजा सकें, चाहे शिवलिंग को, चाहे माँ पार्वती को या शिव परिवार को, एक बार करके देखिए। बनाने में घंटा दो घंटा ही लगेगा, नहीं तो पास के दर्जी से भी बनवा सकते हैं, करके देखिए अर्पित। यहाँ पर भोलेनाथ सबसे खास कृपा करते हैं क्योंकि मीन राशि को अगर मैं लगाऊं तो मीन राशि का जो उठाव है वो बहुत ही ऊंचा है, झंडे की तरह का है, और भोलेनाथ स्वयं समझेंगे चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा जहाँ से निकलती है वही भोलेनाथ का स्थान है, तो आप ये मान सकते हैं बारवां स्थान वही है और वहाँ पर
परमात्मा को इस तरह से वस्त्र अर्पण करना और फूल फल अर्पण करना, इस राशि वालों को बहुत रास आता है और परमात्मा जितने रंगों की आप ड्रेस परमात्मा को अर्पण करेंगे उतने खुशियों के रंग आपके जीवन में भरेंगे। श्री भोलेनाथ, श्री पार्वती मैया और श्री शिव परिवार। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं, हम दोनों यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए महाशिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है वो बहुत ही खुशियां लेकर आए, घर में सुख शांति बनी रहे। गुरुदेव, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां दी, बहुत धन्यवाद। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे, तंदुरुस्तियां बख्शे दादी, जय माता। और आप गुरुदेव से कैसे संपर्क कर सकते हैं इसकी डिटेल्स लगातार स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं, आप चाहें तो गुरुदेव से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं गुरुदेव के खास उपाय आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके हर कष्ट दूर करेंगे। आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन है सिर्फ गुरुदेव के पास। देखते रहिए एस्ट्रो साइंस। Thank you.